वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ स्टडी लास्ट वीडियो में हमने टीचिंग डेफिने टीचिंग की डेफिनेशन देखी थी कॉन्सेप्ट देखा था टीचिंग क्या होती है एप्टीट्यूड क्या होता है उसके कोर वेरिएबल्स क्या होते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग कितने प्रकार की टीचिंग होती है तीन प्रकार की टीचिंग होती है फर्स्ट टाइप है ऑटोक्रेटिक टीचिंग जो टीचर सेंट्रिक होती है सेकेंड टाइप है डेमोक्रेटिक टीचिंग जो स्टूडेंट सेंट्रिक होती है थर्ड टाइप है लेजिस फेयर टीचिंग जो कि होती है सब्जेक्ट सेंट्रिक अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं समझ लेते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग किसको बोलते हैं क्या होती है इसकी डेफिनेशन ऑटोक्रेटिक टीचिंग टीचर सेंट्रिक होती है इन दिस मेथड यूजेस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग इन दिस मेथड टीचर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर टीचिंग एंड स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू एक्ट फ्रीली ऑटोक्रेटिक टीचिंग पूरी जो टीचिंग डिपेंड होती है टीचर के ऊपर डिपेंड होती है स्टूडेंट्स अलाउ नहीं होते टीचर को डिस्टर्ब नहीं करते एंड वो अपनी कुछ बात भी नहीं पूछ सकते जो टीचर का मन पर करेगा वही उस टी स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टोरी टेलिंग मैथड का देख सकते हैं लेक्चर मैथड का देख सकते हैं बचपन में जब स्टूडेंट्स को स्टोरी सुनाई जाती है तो टीचर का जो होता है स्टोरी सुना देता है उसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स बिल्कुल भी एंड ऑटोक्रेटिक जो टीचिंग है पूरी टीचर सेंट्रिक होती है स्टूडेंट्स का कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता पूरी डिपेंडेंट टीचर के ऊपर ही होती है जो टीचर का मन करता है वो ही उनको पढ़ाएगा स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती है ऑटोक्रेटिक टीचिंग दूसरी टीचिंग है डेमोक्रेटिक टीचिंग डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टूडेंट सेंट्रिक बोला गया है एंड इसके डेफिनेशन देख लेते हैं अंडर दिस मेथड अ चाइल्ड इज़ फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ द टीचर एंड मैक्सिमम इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर्स टेक्स प्लेस डेमोक्रेटिक टीचर टीचिंग स्टूडेंट सेंट्रिक होती है इस टीचिंग में स्टूडेंट्स फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़ इंट्रैक्शन कर सकते हैं टीचर के साथ जो उनको पूछना है वो पूछ सकते हैं हेयर अ टीचर वर्क एज अ गाइड और इंस्ट्रक्चर इंस्ट्रक्टर टीचर एक एज अ गाइड और इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है इट हेल्प्स इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड डेवलप्स द इफेक्टिव एज वेल एज कोग्निटिव डोमेन ऑफ स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक टीचर में टीचर जो पढ़ाता है स्टूडेंट्स को पूरा कंट्रोल होता है टीचर के साथ इंटरेक्शन करने में एंड इसी इंट्रेक्शन के साथ ताकि वो अपने स्किल्स को एनहैंस कर पाए आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं डिस्कशन मेथड डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट्स को पूरा राइट होता है अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने का जो भी उनकी क्वेरीज होती है उन डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने का अपने टीचर के साथ प्रोजेक्ट मेथड आप देख सकते हैं थर्ड टाइप है लेज फेयर टीचिंग इसको सब्जेक्ट सेंट्रिक टीचिंग आप इसको बोल सकते हैं फेयर टीचिंग इज़ एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन इन विच देर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस विच एन इंडिविजुअल विल सीक टू ओवरकम एंड फ्रॉम ही विल लर्निंग द कोर्स ऑफ डूइंग सो टीचर फेयर टीचिंग आप सब्जेक्ट सेंट्रिक के ऊपर मेथड होती है टीचर का को उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता ना स्टूडेंट का कंट्रोल होता है जो टीच जो सब्जेक्ट्स चल रहे जो कंटेंट होता है बस उस टीचर उसको चलने देता है कुछ अपना इनिशिएट एफर्ट नहीं लगाता स्टूडेंट को समझाने के लिए बस उनका कुछ मोटिव भी नहीं होता जैसा जो होता है उसको बस टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाया और अपना कंप्लीट किया इस एग्जाम्पल में आप डिबेट कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं उसमें जो डिबेट देता है वो सिर्फ अपना बोलता चला जाता है उसको कुछ मतलब नहीं होता लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं बस उनको अपने से अपनी डिबेट देनी होती है समाप्त कर लेते हैं इस वीडियो को आज हमने बात की है टाइप्स ऑफ टीचिंग की ऑटोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है टीचर सेंट्रिक टीचिंग होती है जो पूरा कंट्रोल होता है टीचर के ऊपर डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल करती है स्टूडेंट्स फ्रीली आज कर सकते हैं कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हैं थर्ड टीचिंग हमारी लेजिस्पेयर टीचिंग होती है जो पूरी सब्जेक्ट सेंट्रिक होती है पूरा जो कंट्रोल होता है सब्जेक्ट के ऊपर आप बोल सकते हैं कंटेंट के ऊपर बोल सकते हैं उसमें टीचर का कुछ इनिशिएट नहीं होता स्टूडेंट्स का भी कुछ इनिशिएट नहीं होता आई होप गाइज आपको ये टाइप्स ऑफ टीचिंग समझ में आया होगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोज़ में हम अपने आने के टॉपिक्स भी कवर करेंगे थैंक यू सो मच गाइज